हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है अमेजोन हॉल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अमेजोन से कुछ एसेंशियल्स और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्डर किए हैं। कुछ पहले लॉकडाउन में आ गए थे मेरे पास, लॉकडाउन से पहले, और कुछ लॉकडाउन के बाद आए हैं, जिनमें से कुछ मैं यूज भी कर चुकी हूँ। मैं आपको उनका भी रिव्यू दे दूंगी साथ साथ, और जो नए प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे टाइटल के डायरेक्ट बिल्कुल नीचे रेड कलर का एक बटन है जहां पर लिखा है सब्सक्राइब। आप वहां जाकर उसे क्लिक कर दीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप उसे देख सकें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहां से अमेजोन से क्या मंगाया है। सबसे पहले गाइस, मैंने एक बेल्ट ऑर्डर की थी अपने लिए। ये देखिए, मैं ऑफिस गोइंग हूँ और मुझे यूनिफॉर्म के साथ बेल्ट क्लब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर है इसका। वैसे मेरे पास ऑलरेडी दो तीन बेल्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने एक और मंगा ली, मुझे बहुत पसंद आई थी ये। गाइस, इसका प्राइस आई थिंक ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ के आसपास है। आप लोग को अगर इसको ये लेने का मन बन रहा है तो आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला। सेकेंड गाइज, मैंने एक बेल्ट ऑर्डर की थी अपने डैड के लिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बेल्ट लगी मुझे। सिंपल है, ब्लैक कलर में है ये, ब्लैक लेदर में है, और बहुत ही अफोर्डेबल थी गाइज। ये 250 रुपीज़ में मुझे मिल गई थी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, काफ़ी स्टडी है ये। अगर आपको भी पसंद आ रही है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको भी मंगानी है तो। सेकेंड प्रोडक्ट था ये। नेक्स्ट गाइज, मैंने कुछ स्किन केयर भी वहाँ से ऑर्डर किया था तो मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले गाइज, मैंने मंगाया है ये एथी ग्लो का फेस वॉश। एक्चुअली ये फेस वॉश आपने बहुत रेयर सुना होगा, बहुत कम लोग इसे यूज़ करते होंगे, लेकिन मैंने भी ये मेडिकेटेड फेस वॉश है। मैंने भी इसे यूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च किया था कि फेस वॉश यूज़ करने लायक है या नहीं। बट आफ्टर यूज़ इसकी 4 to 5 जो बॉटल्स हैं, 4 to 5 जो ये फेस वॉश है, मैं उसके 4 से 5 बार यूज़ कर चुकी हूँ इसे। ये मेरी 6th नंबर कैन है और इसे इसे मैंने यूज़ किया है और इसका इफेक्ट आप देख सकते हो गाइस, मेरे फेस पर बिल्कुल भी कोई दाग, कोई निशान कुछ नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, क्लीन फेस है एकदम। क्योंकि ये माइल्ड फेस वॉश है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप इसे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इसका डीप जो क्लिंजिंग फेशियल फॉर्म है, इतना सा आप इसे यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी ये क्लीन हो जाता है फेस से, वाटर से आप इसे जल्दी से क्लीन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है और बहुत अच्छा इफेक्टिव फेस वॉश है गाइज। अगर आप इसे लेना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट। उसके बाद गाइज, मैंने ऑर्डर किया था ये रेक्सोना का एलोवेरा अंडर आर्म ओडोर प्रोटेक्शन। ये देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि आपको पता है समर चल रहा है, समर में काफ़ी ज़्यादा आपको स्वेट का इशू रहता है, तो स्वेट गार्ड है ये, 48 आवर तक आपका आपको स्वेट से दूर रखता है, और इसका जो ऑडोर है काफ़ी अच्छा है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग है, आप इसे यूज़ करेंगे। इसमें एलोवेरा दिया गया है, स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली होता है एलोवेरा, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेना है तो आप इसके लिए भी चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट गाइज, मैंने वहाँ से मंगाई है ये लैक्मे की पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चर लॉक क्रीम। मैं पहले काफ़ी ब्रांड के यूज़ कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, मैंने डव की भी यूज़ की है, मैंने और ब्रांड्स की भी यूज़ की है, लेकिन जो मुझे लैक्मे जो 24 आवर मॉइस्चर लॉक है, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी इस तरह की बॉटल आती है, यहाँ तक की क्वांटिटी रहती है, और मैंने इतनी यूज़ भी कर ली है देखिए, और मैंने एक बॉक्स और मंगा लिया है इसका, जो मेरा ऑन द वे है, मेरे पास पहुंच जाएगा। तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइज, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑयली, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, आप दोनों तरह की स्किन टोन में इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे नाइट में यूज़ करिए, स्किन की जो केयर है वो सबसे ज़्यादा नाइट में होती है, आप उसे तब लगा कर सो जाइए, या मॉर्निंग ट्रेनिंग आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज ये, ये मैं आपको यूज़ करने के बाद ही बता रही हूँ, अगर आप भी यूज़ करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, ये मैंने एक फेस पैक मंगाया था, खादी मयूरी हर्बल उपटन। ये देखिए,
ये एक उबटन है गाइज, कंप्लीट हर्बल क्लेंजर एंड स्किन पॉलिशर है ये। इसमें हल्दी है, इसके अंदर पपाया है, इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके फेस के लिए, जो आपकी स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आप इस उबटन का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी इसकी स्मेल भी है। आप इसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इसे कुछ देर तक, कुछ मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। देखिए आप फर्क देख पा रहे हैं। कुछ मिनट्स के लिए आप इसे अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसे फेस को जो है पानी से वॉश कर लीजिए सूखने के बाद, तो बहुत इफेक्टिव रहता है ये गाइस। ये मैंने उबटन मंगाया है, कहीं आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप फेशियल के लिए जा सके, पार्लर जा सके, तो अपने घर पर ही आप इसे अप्लाई करके इसे यूज़ कर सकते हो गाइस। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें हैं तो आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं देगा। बहुत अच्छा है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। आप इसका अगर फुल रिव्यू देखना चाहते हैं गाइस तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपको स्किन पर इसको लगा कर इसका फुल रिव्यू भी दे दूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, ये चारकोल का स्क्रब, बायो केयर चारकोल स्क्रब। ये मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये स्क्रब है गाइस, और इसे मैं 4 to 5 times यूज़ भी कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह की बॉटल में आता है, इस तरह का ये 1/2 kg का पैक है पूरा। तो ये चारकोल है, और आपको पता है स्किन के लिए जो स्किन का जो ऑयल होता है, जो स्किन का डस्ट होता है, उसको क्लियर करने के लिए चारकोल कितना बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे ब्रांडेड के फेस वॉश भी आते हैं ब्रांड्स के, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। ये भी बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आप इसका भी फुल रिव्यू देखना चाहते हैं इस स्क्रब का, तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें स्किन पॉलिशिंग के साथ ब्लैक शुगर दी गई है, डीप क्लेंस करता है, एंटी टॉक्सिन है ये, तो काफ़ी इफेक्टिव है। चारकोल तो वैसे भी इफेक्टिव होता है स्किन क्लीनिंग के लिए। अगर आप इसका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसका फुल रिव्यू के लिए एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, ये पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। जैसे कि आप जानते हो गाइज, समर के लिए एलोवेरा कितना स्किन फ्रेंडली होता है। एलोवेरा बहुत इफेक्टिव होता है ड्राई स्किन के लिए, खास तौर पे अगर आपकी स्किन ड्राई है आप एलोवेरा यूज़ कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। आपके फेस पे जो पिंपल्स आ जाते हैं उसके लिए एलोवेरा बेस्ट रहता है। आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करेगी इसके बाद। आप इसे मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है एलोवेरा। आपको पता है आप इसे घर पर भी अपने उगा सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, गार्डनिंग का वर्किंग है नहीं टाइम है, तो आप इस तरह के जेल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं इसी का यूज़ करती हूँ, इसी ब्रांड का, ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।